हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैंड पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्राचीन सूर्य मंदिर के बारे में। यानी एग्ज़ाम में बहुत सारे मंदिरों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक सीरीज़ है जिसमें सभी के सभी भारत में प्राचीन सूर्य मंदिर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जान लें कि भारत में मंदिर निर्माण की तीन शैलियाँ हैं दोस्तों, जिनमें से एक है सबसे पहले नागर शैली, दूसरी है बेसर शैली और तीसरी है द्रविड़ शैली। नागर शैली जो है आपकी वो 7वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक चर्चा में रही और यह उत्तर भारत की शैली भी कही जाती है दोस्तों, और यह उत्तरी नागर शैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पे है आपकी बेसर शैली जो 8वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक दक्कन के आदि हिस्सों में भारत में जो है प्रचलित थी दोस्तों। और तीसरी है आपकी द्रविड़ शैली, ये शैली सुदूर दक्षिण भारत की शैली है जो तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक जैसे हिस्सों में ये प्रचलित रही। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में सबसे पहला मंदिर जो है वो है कोंकण का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कोंकण के सूर्य मंदिर जो पूरी ओडिशा में है दोस्तों, इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। तो आपने याद रखना यहाँ पर कि इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था दोस्तों। यह मंदिर 12 जोड़ी चक्रों वाले और 7 घोड़ों से खींचे जाते सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है। इस मंदिर को लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है दोस्तों। इस मंदिर की विशेषताएँ, इसमें कामुक मुद्राओं और शिल्प आकृतियों के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। कोंकण के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में रखा था दोस्तों। तो आपने यहाँ पर ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। कोंकण के सूर्य मंदिर को जो पूरी ओडिशा में है, इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। एक फैक्ट और आपने याद रखना है कि वाइट पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो वो है जगन्नाथ का मंदिर जो पूरी उड़ीसा में ही है दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटेरा का सूर्य मंदिर, मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मोटेरा में स्थित है। यह सोलंकी राजा भीमदेव ने इस मंदिर को दो हिस्सों में बनवाया था, जिसमें प्रथम भाग में गर्भगृह और द्वितीय भाग में सभा मंडल है दोस्तों। इस सूर्य मंदिर को गुजरात के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आपने याद रखना है कि किस मंदिर को गुजरात का खजुराहो कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मारतंड सूर्य मंदिर। दोस्तों, मारतंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है। तो ये आपने याद रखना है कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है। यह मंदिर 220 फीट लंबे तथा 142 फीट चौड़े प्रांगण में बना हुआ है। इस मंदिर में 84 स्तंभों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ा किया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए चूने के पत्थर की चौकोर ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये आपने याद रखना है कि ये मंदिर कहाँ पर है, ये मंदिर है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है। नेक्स्ट है सूर्य नारायण स्वामी मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में कलिंग के राजा देवेंद्र वर्मा द्वारा करवाया गया था। मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति के साथ तीन देवियों उषा, छाया और पद्मिनी की मूर्तियाँ देखी जा सकती है दोस्तों। भगवान सूर्य को रथ पर सवार दिखाया गया है। इन आकृतियों को बड़े ही सुंदर ढंग से अच्छी तरह से पॉलिश एकल काले ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है दोस्तों। तो यह सूर्य नारायण स्वामी मंदिर कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है सूर्य प्रहर मंदिर। ये असम में स्थित है दोस्तों, असम के गुवाहाटी में गोलपारा के समीप सूर्य प्रहर नामक पर्वत पर यह स्थित है। यह प्राचीन मंदिर लगभग 12वीं सदी का है जो पत्थरों को काटकर बनाया गया है दोस्तों। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है दक्षिणार्क सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर है ये दोस्तों, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर। यह प्राचीन सूर्य मंदिर बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। इस मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा के अलावा विभिन्न देवी तथा देवताओं की प्रतिमाएं हैं। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, देवी दुर्गा आदि इस मंदिर में प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी। इस मंदिर के निर्माण की तिथि को लेकर बहुत से मतभेद है दोस्तों, तो कुछ इसे मौर्य युग से पूर्व का मानते हैं दोस्तों। इस मंदिर में एक बड़ा सभा मंडप तथा मंदिर के मध्य भाग में विपरीत दूसरा मंडप शामिल है दोस्तों। तो ये सारे के सारे भारत के सूर्य मंदिर थे जिनके ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत
मौर्य काल के बाद शुरू हो गई थी और इसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि आपको गुप्त काल में देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपने याद रखने हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।